दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे, सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको नमस्कार। दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग वीडियो को लाइक करोगे और अधिक से अधिक शेयर करोगे, साथ ही साथ चैनल को अपने सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबा लोगे। जो भी भाई बहन चैनल से जुड़े नहीं है उन्हें सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। आपको बता दें, देख लीजिए, आंगनबाड़ी केंद्रों में योग प्रशिक्षक नियुक्त करेगी केंद्र सरकार। आयुष मंत्रालय के साथ में एक समझौता हुआ है। यह खबर जो आई है आप देख सकते हो, फोटो एएनआई की तरफ से है। 20 सितंबर को कल जो है 4:14 पर शाम के समय पोस्ट डाली गई है। वन इंडिया हिंदी 2.3 मिलियन फॉलोवर है इनके, और इनके द्वारा यह जानकारी दी जा रही कि आंगनबाड़ी केंद्रों में योग प्रशिक्षक नियुक्त करेगी केंद्र सरकार। तो ऐसे में बता दें, ये कोई एक ही प्रदेश के लिए नहीं है, ये केंद्र सरकार का फैसला है, तो ये सभी राज्यों में लागू होगा। आयुष मंत्रालय के साथ में इस चीज को लेकर के बताया जा रहा है, समझौता भी कर दिया गया है। अब यहां पर और बताना चाहेंगे इसके बारे में, और पूरा वीडियो देख के जाना। फिर कह रहा हूं, आप लोग लाइक जरूर करो। कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो को सिर्फ डिसलाइक करने के लिए आते हैं, यानी वो आते इसलिए उन्होंने सब्सक्राइब भी कर रखा है। जैसे ही आप देखते हो मैं वीडियो डालता हूं, दो कोई ऐसे लोग हैं जो तुरंत का तुरंत डिसलाइक करते हैं, वीडियो वो देखते नहीं है, एक मिनट भी पूरा नहीं होता और वो डिसलाइक करके बस चले जाते हैं। तो आप सब कम से कम लाइक कर दिया करो, जिनको भरोसा है चैनल पर सच्ची खबरों पर। आपको बता दें, देख लीजिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय ने रविवार को कुपोषण के संयुक्त प्रबंध के लिए समझौता ज्ञापन, यानी आपका एमओयू जो बोला जाता है ना, उस पर हस्ताक्षर किया है। इस दौरान महिला और बाल विकास जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी भी मौजूद रही हैं, और इसके साथ ही केंद्र सरकार अब योग शिक्षा जो है उसको ग्रामीण स्तर तक ले जाने की तैयारी कर रही है, और आंगनबाड़ी केंद्र उनका कहना है एक माध्यम बन गया है। तो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से योग जो है प्रशिक्षकों को तैनात किया जाएगा, वो वहां पर योग सिखाएंगे। बताया जा रहा, केंद्र सरकार आंगनबाड़ी जो है केंद्रों में बच्चों को योग सिखाने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है। अब देखो क्या होता है समय के साथ, जितनी जितनी जानकारी जहां से मिलती है, हमारा फर्ज है आप तक सच्चाई लेकर के आना, और मैंने आपको बताया है कहां कहां से क्या खबर आ रही है। अब देख लीजिए, महिला और बाल विकास जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने कहा है कि इस एमओयू वगैरह के तहत पहली बार इस पायलट टेस्ट वगैरह केस के जरिए योग प्रशिक्षकों को चुनिंदा राज्यों में चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों में भेजा जाएगा। तो देखो, पहले जो भी आपका पायलट टेस्ट टाइप का कराया जाएगा, उसी केस के जरिए जो भी प्रशिक्षक होंगे बढ़िया एकदम चुनिंदा वाले, उनको जो है राज्यों में आंगनबाड़ी केंद्रों पर भेजा जाएगा, ताकि जो है हम योग को बचपन से ही अपने केंद्रों के जीवन का अभिन्न अंग बना सके। तो देखो, नई शिक्षा नीति में कुछ ना कुछ प्रावधान थे, कुछ ना कुछ था, क्या सही क्या गलत है वो तो सब देखो जब होगा तभी कुछ नीतियों के बारे में पता चलता है। अब यहां पर आप देख रहे हो, एक तरफ आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी बनाने की बातें आ रही हैं, और दूसरी तरफ ये जो है योग का सिस्टम भी बताया जा रहा है, हो सकता है योग के लिए प्रशिक्षक लगा दिए जाएं। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि ये सरकारें जो कर्मचारी विरोधी हैं, ये तैनाती कैसे करेंगी, या सिर्फ चुनाव को देखते हुए तो ये लुभाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, इस पर हमने हस्ताक्षर कर दिया, ये वाला एमओयू वगैरह पर साइन हो गया है। इन सबको लेकर के काफी जो है सोचने लायक बातें बनी रहती हैं, कि जो भी ये सब आ रहा है सोशल मीडिया में, इसमें जो है यहां पर सरकार वो आगे चल के करेगी भी जो है या नहीं। फिर ये देख लीजिए, और भी नीचे लिखा है कि केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि एक गलत जो है धारणा यह भी है कि जो है यहां पर आपको बता दें कि गर्भवती महिलाएं योगा नहीं कर सकती हैं, ऐसा इसमें पोस्ट में लिखा गया है, और खासकर प्राणायाम वगैरह आयुष मंत्रालय के साथ या समझौता इस भ्रांति को तोड़ने के लिए मील का पत्थर बताया जा रहा साबित होगा। तो उनका मानना यह है कि धारणा है कि गर्भवती महिलाएं योगा नहीं कर सकती, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। योगा तो सिंपल होता है, कोई जिम वगैरह थोड़ी ना है कि कोई नहीं कर पाएगा, तो योगा हर कोई कर सकता है और योगा करना भी चाहिए। तो यहां पर जो बातें निकल के कुल मिला के ये आई हैं, आप लोग यहां पर देख लीजिए, ये कब का फैसला है। महिला एवं बाल विकास मंत्री और आयुष मंत्रालय ने रविवार को जो है कुपोषण के संयुक्त प्रबंध के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। देखो, कुपोषण को मिटाने के लिए यह महीना भी चल रहा है सितंबर माह का, और इसी तहत जो है रविवार को जो है कल वल ये बैठक हुई होगी, उसी में ये सब कुछ फैसले लिए गए, और इसीलिए ये जो है खबर वगैरह न्यूजों में टहल रही है। बड़े बड़े टीवी चैनलों पर जरूरी नहीं है छोटी छोटी खबरें मिल जाएं, ये आपको छोटे छोटे लोग ही दे पाएंगे। वन इंडिया हिंदी की तरफ से डाली गई ये पोस्ट, और ये 20 सितंबर जो है आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, हमारे पास जो है आई है, किसी भाई बहन ने भेजी है, इसीलिए हमने भेज दी, और ग्रुप में भी हमने देखा था यही पोस्ट आई थी, तो हमने सोचा आपको बता दें। अब आपको बताना चाहेंगे, ये हमारे पास मैसेज आया है, बड़े भाई हैं अमर जी और बिहार से हैं, आप लोग देख लीजिए,
उन्होंने ये 8 जो है यहाँ पर फोटो भेजी है, उसमें एक वीडियो भी है हमारी आंगनबाड़ी बहन जो थी उनके लिए। लिखा है सुधांशु भाई, स्वर्गीय प्रमिला जी के आत्मा की शांति के लिए शोक सभा का आयोजन सह संकल्प सभी जो है यहाँ पर सोच किया गया है, एवं घायल काजल गुप्ता जो बहन है उनको आर्थिक सहयोग देने का भी निर्णय लिया गया है। ये वीडियो आपके चैनल पर प्रसारित करने के लिए बनाया है आपका अमरजीत भाई दरभंगा। तो बिल्कुल यह वीडियो भी दिखाएंगे वहां पर बहनों ने जिस तरीके से बनाया, जो भी वो कहना चाहती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ तस्वीरें भी हैं वहीं से आ रही हैं, आप देख लीजिए। ये हमारी बहन थी प्रमिला बहन, और जो नहीं है हम सबके बीच में उनके लिए तो हम यही चाहेंगे कि आत्मा को शांति ऊपर वाला दे, परिवार को जो है दुख सहन करने की क्षमता दे। अब यहाँ पर ये सब भाई बहन है इसीलिए उन्होंने ये शोक अपना सभा का आयोजन किया था, तो इसी संबंध में बताना चाहेंगे। आगे आप लोगों को हम वीडियो दिखाते हैं वहां का जो आया हुआ, उसके बाद हम मेन मुद्दे पर बात करते हैं। यूनियन के भाई बहन बिहार में क्या कह रहे हैं, अमर जी भाई हैं जैसे, उनका सबका क्या मानना है सरकार ने जो पैसा बढ़ाया उस मुद्दे पर भी। प्रमिला देवी अमर रहे, शहीद प्रमिला अमर रहे, प्रमिला तेरे अरमानों को, प्रमिला तेरे अरमानों को, प्रमिला तेरे अरमानों को, प्रमिला देवी अमर रहे। आंगनबाड़ी सेविका सहायक का भाषण जिंदाबाद, प्रमिला देवी अमर रहे, प्रमिला तेरे अरमानों को। ध्यान देना दोस्तों, अब हम अमर जी भाई की तरफ से जो भेजा गया है हम वो पोस्ट पढ़ के सुनाना चाहते हैं आपको, बताएंगे उनकी आगे की रणनीतियां क्या हैं बिहार में। बहनों आप लोगों के पैसे को लेकर के जो सरकार ने मात्र 10 रुपया डेली के हिसाब से बढ़ाया, एक बात आप सोच लीजिए 10 रुपए में एक दिन का, यानी एक दिन का क्या, एक टाइम का खाना छोड़ो नाश्ता नहीं होगा, चाय नहीं होगी ढंग की। अगर आप शहरों में रहते हो 10 रुपए में आपको चाय नहीं मिलने वाली है, याद रखना। तो अब आप बताओ ये 10 रुपया डेली की बढ़ोतरी से क्या आंगनबाड़ी सेविका सहायक का मिनी बहनों के आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार होगा, या महंगाई का आज के जमाने में थोड़ा बहुत बोझ उनका हट पाएगा, सवाल है। आप सब जवाब जरूर देना, मुझे पता है आप लोग जरूर देंगे। अब बता दें आपको वहां पर भाई का क्या कहना है। बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति केदार भवन अदालतगंज पटना बिहार से खबर है कि प्रिय बहनों, बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक कुमारी गीता जी की अध्यक्षता में आज दिनांक 19 सितंबर को रात्रि 8:30 बजे मोबाइल जो यहां पर कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है कराई गई है। और अच्छी बात है क्योंकि कोरोना चल रहा है, डेली जगह जगह जाकर के बैठक करना ठीक भी नहीं है। अब आगे देखो, बैठक में राज्य अंतर्गत विभिन्न जिलों के अध्यक्ष एवं महासचिव तथा परियोजना कमेटी के अध्यक्ष एवं महासचिव एवं तमाम सक्रिय कार्यकर्तियों के सलाह और सुझाव पर गंभीरता पूर्वक जो है विचार भी किया गया है। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय भी लिया गया है कि चुनाव आचार संहिता तक यह निश्चितकालीन जो है, या जो हड़ताल है ना, अनिश्चितकालीन सॉरी, तो ये जारी रखी जाएगी। बहुत से भाई बहनों का सवाल था क्या बिहार में हड़ताल बंद हो गई, तो ये आपको बता दें अनिश्चितकालीन हड़ताल उनकी आचार संहिता लगने तक जारी रहेगी, और जब लगेगी तब से समझो खत्म होगा। तो यहां पर उनका और भी कहना कि बिहार सरकार के इस निर्णय पर गंभीरता पूर्वक विचारों उपरांत बैठक में यह संज्ञान उनका लिखा जो है लिखना चाहते हैं, संज्ञान जो है दी गई है कि जो है लिया गया है कि राज्य सरकार यह निर्णय मात्र 300 रुपया सेविका और 150 रुपया ये सब सहायिका, 230 रुपया मिनी केंद्रों की जो सेविकाओं को बढ़ाने का जो फैसला लिया गया है उसके संबंध में उन्होंने सब लिखा हुआ है। अब देख लीजिए कि संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में पिछले 2018 में 42 दिनों की हड़ताल के उपरांत जो है यहाँ पर वर्तमान मंत्री माननीय कृष्ण नंदन वर्मा एवं संयुक्त संघर्ष समिति के बीच हुए सहमति में केंद्र सरकार के मानदेय के आलोक में 25-50% जो अतिरिक्त प्रोत्साहन देने पर सहमति बनी थी। और मैंने आपको पता भी होगा, 1 साल पहले बिहार में दिखाया भी था कि सरकार ने जितना बढ़ाया था उसका बढ़ा करके 25% सरकार देगी, लेकिन वो अभी तक दिया ही नहीं। अब ये है कड़वी सच्चाइयां। तो उनका कहना है कि उसे ही पूरा करने की दिशा में शीघ्र अग्रेतर कार्रवाई करने की मांग किया गया है, परंतु पिछले समझौते को भी जो है उन्होंने लागू नहीं किया। देखो, अपना वादा करके सरकार पलट जाती है, सत्ता में मौजूद है फिर भी, अब चुनाव आ गए हैं तो लॉलीपॉप दे दिया 10 रुपया डेली का बढ़ा करके, इससे क्या होगा, और वो भी कब मिले, 1 अप्रैल 2021 से मिले, और क्या भरोसा सरकार सत्ता में रहे या ना रहे। और सभी को ऐसे ही जो है सब कुछ दिया है, 64 एजेंडों पर हस्ताक्षर करवा दिए। ये 64 मुद्दे यदि आपने 5 साल पहले से थोड़ा थोड़ा सबको दिया होता, आज इनको मिलने लग गया होता, भले ही 300 रुपया आपने बढ़ाया,
तो इनको थोड़ा बहुत भरोसा होता कि समय के साथ आप कुछ देते, लेकिन अब जब आपकी जाने की बारी आई है तब आपको ये सब दिखाई दे रहा है और 64 एजेंडे आपने स्वीकृत कर दिए, वो भी देने के लिए अगले सत्र से आपने बोल दिया, यानी सत्ता में रहेंगे तो देंगे और लालच में लोग वोट देंगे। ये सब हथकंडे कब तक जनता सहेगी, ये जनता भी सोचे। अब आगे देखो, लागू नहीं करना है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के साथ जो है क्रूरतापूर्ण कृत्य है, आंगनबाड़ी कर्मियों के साथ भद्दा मजाक है, इसे आंगनबाड़ी कर्मी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अतः आंदोलन को और तेज करते हुए सभी राजनीतिक दलों के सुप्रीमो को मांग पत्र समर्पित करते हुए चुनाव घोषणा पत्र में वर्णित सभी बिंदुओं को शामिल करने के लिए अनुरोध करने का निर्णय लिया गया है एवं वर्तमान सरकार को झारखंड सरकार की तरह ही उखाड़ फेंकने का आह्वान भी किया गया है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि हड़ताल को और मजबूती प्रदान करने के लिए कड़ा रुख अपनाया जाए। ये सब जो है यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। अतः जो है आंदोलन को और तेज करते हुए सभी राजनीतिक दलों के सुप्रीमो को मांग पत्र समर्पित करते हुए चुनावी घोषणा पत्र में वर्णित सभी बिंदुओं को शामिल करने के लिए अनुरोध करने का निर्णय एवं वर्तमान सरकार को झारखंड सरकार की तरह उखाड़ फेंकने का आह्वान, ये सब करके जो है हड़ताल को और मजबूती प्रदान की जाएगी, कड़ा रुख अपनाया जाएगा और सरकार के किसी भी तरह के आदेशों का अनुपालन भी नहीं होगा। चुनाव आयोग का या फिर जो है किसी भी पदाधिकारी का भय दिखाकर कोई काम करवाने का प्रयास क्यों ना किया जाए, आप लोगों को थोड़ा सा भी डरने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा यूनियन का आपके कहना है। बैठक ने यह नारा दिया है कि जो आंगनबाड़ी की बात करेगा वही बिहार पे राज करेगा, तो यह सही बात है। और वैसे भी आप देख रहे हो हर राज्यों में सब विभागों को कुछ ना कुछ समय के साथ मिलता रहा है, लेकिन बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ही कुछ नहीं मिला है, बाकी इनके ऊपर के जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं उन सबका सब कुछ होता चला गया। वो सब सरकारी कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी, लेकिन आंगनबाड़ी जहां थी 75 से और अभी भी 2020 आ गया है वहीं की वहीं पर बैठी हैं। अब बताओ आगे ना पेंशन है ना फंड है, कोई भी सुविधा नहीं है, आगे का जीवन यापन कैसे होगा। और आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा संख्या में रिटायर हुई, ऐसे बिहार में अभी की जा रही है, ऐसे आपके मध्य प्रदेश में भी लेटर जा रही है और भी जगह हो सकता है जा रही हो, हम तक जो भाई बहन भेज पाते हैं हम आपको वही बता दिखा पाते हैं, तो आपको बताना चाहेंगे। ये सब चीजें हैं आप लोगों को इनको समझना होगा। और आज का यह जो वीडियो है इसी उद्देश्य के साथ है कि आप सबको जो है जो मेन खबर है खासकर जो आ रही है निकल करके कि हमारी ये जो बहन थी प्रमिला बहन, उनकी आत्मा को शांति के लिए, और जो एक बहन उनकी तबीयत खराब यानी जो एक्सीडेंट हुआ था वो भर्ती हैं, उनकी भी आर्थिक मदद के लिए जो है यूनियन ने प्रयास किया है। और साथ ही साथ जो आप लोगों को योगा टीचर के बारे में जानकारी निकल के आ रही है, ये केंद्र सरकार की तरफ से रविवार को बताया जा रहा बैठक हुई है उसी में यह निर्णय लिया गया है। और ये स्मृति ईरानी आपकी हैं, महिला और बाल विकास मंत्रालय की तरफ से आपका MOU वगैरह साइन पर भी बताया जा रहा, हस्ताक्षर भी कर दिए गए हैं, ये आप देख लीजिए ज्ञापन समझौता वगैरह पर। और रविवार को ये सब कुछ हुआ है तो ये देख लीजिए आयुष मंत्रालय की तरफ से और बाल विकास मंत्रालय की बैठक जो है साथ में हुई है ज्वाइंट वाली, उसी में फैसले लिए गए। अब जो भी होगा समय के साथ ये भी आप लोगों को धीरे धीरे देखने को मिलेगा। अभी देखो समझौते हुए हैं तो अभी आदेश नहीं मिल जाएगा, आदेश लागू होने के लिए धीरे धीरे समय लगेगा। और समय के साथ आप ऑल इंडिया के चलते रहो, आपको समय के साथ ऑल इंडिया जानकारी देता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और उम्मीद है आज का वीडियो सभी लोगों ने लाइक किया होगा। देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो चैनल से पता नहीं क्यों जलते हैं, वो सब्सक्राइब किए हैं ऑल इंडिया को और इसलिए किए हैं कि जो यहां पर हमें सिर्फ डिसलाइक करके जाना है। और मैं वीडियो डालता हूं मुझे एक मिनट नहीं होता है, 500 लाइक होती हैं और उसमें 2 डिसलाइक होती हैं, और वो 2 डिसलाइक कभी कभी 1 लाइक भी नहीं आ पाती, लेकिन उस बंदे की डिसलाइक पहले आ जाती, मतलब कि उसे देखना नहीं है, उसे कुछ भी चीज से मतलब नहीं है, उसे सिर्फ डिसलाइक करना। बताओ ऐसे लोग किस काम के, मतलब अपना समय लगाना किसी अच्छी जगह लगाओ, किसी की मदद करो, वो नहीं उनसे होता है। सिर्फ जो कोई प्रयास कर रहा है तो उसको रोको, डिसलाइक करो, पता नहीं क्या, लेकिन एक बात याद रखना, चाहे जितना रोकने का प्रयास कर लो, चाहे जितना नीचे झुकाने का किसी को प्रयास कर लो, यदि वो आगे बढ़ रहा है, सपोर्ट मिल रहा है और वो सब लोग जानते भी हैं कि यहाँ पर सच्चाई चलती है, तो उनका कोई काम आने वाला नहीं। वो डिसलाइक बस ऐसे ही है, वो जो अपवाद स्वरूप कहे जाते हैं, तो ये अपवादी हैं जो डिसलाइक करके चले जाते हैं। वरना भाई वीडियो देखो, पसंद रहा तब डिसलाइक करो, मैं मानता हूं आप लोग करें, लेकिन ये नहीं कि वीडियो देखा ही नहीं, सब्सक्राइब इसीलिए कर रखा है, वीडियो आया नहीं और आपने डिसलाइक कर दिया, ये गलत बात होती है। ऊपर वाला सब देखता है, आप भले यहाँ पर तीरंदाजी वगैरह मार रहे हो, आप समझ रहे हो कि हमें कौन जानता है, डिसलाइक करके चले जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है, उसके पास बहुत सी आंखें हैं। तो फिलहाल के लिए आज को आप लोगों को आज यही बताना चाहेंगे कि अगला वीडियो हम लाने वाले हैं, आज का यह योगा टीचर वाला जो वीडियो है, जो जानकारी है, ये शायद आने वाले समय में कुछ ना कुछ आप लोगों को कुछ नया देखने को मिल जाए, और पता नहीं आगे क्या होगा। फिलहाल के लिए सरकारें देखो ऐसी हैं जो लिखित में कुछ देती नहीं है।